नमस्कार मित्रों, आज हम 12वीं कक्षा का 7वां काव्य बादल को घिरते देखा है। कवि का नाम है नागार्जुन। उन्होंने इस काव्य के अंदर जो बात की है, जब वो तिब्बत यात्रा पर थे उस समय की बात है। यात्रा के क्रम में हिमालय दर्शन से प्रकृति के निर्मल निश्चल रूप को देखने से कवि के मन में सौंदर्य का जो उफान आया है, उसके प्रति उसके दिल के अंदर जो प्रेम आया, जो प्रेम प्रकट हुआ है प्रकृति के प्रति, इसीलिए उन्होंने इस काव्य की रचना कर दी। इसमें कहीं मानसरोवर में कमलों के ऊपर वर्षा बूंदों के गिरने का चित्र भी है, वहाँ की झीलों का भी वर्णन किया है, और इस झीलों के अंदर हंसों के द्वारा कमल नाभनों को खोजने का दृश्य भी है। और सबसे बड़ी जो बात है इसमें, चिर विरह के बाद चकवा और चकई का मिलना और सेवालों की हरिदरी पर प्रणय का कटाक्ष करना, ये सब बात रोमानी बात है। सुंदर प्रकृति का वर्णन यहाँ पर किया है। आज हमें जिसकी ज़रूरत है, हम क्लास के अंदर बैठकर जो पढ़ते हैं चार दीवार के अंदर, फिर यहाँ से जाकर घर के अंदर चार दीवार के अंदर, हमें आनंद चाहिए, हमें प्रसन्न होना है, तो हम क्या करेंगे? आजकल थिएटर में चले जाते हैं फिल्म देखने के लिए, और वहाँ पर भी चार दीवार के अंदर बैठकर आप आनंद लेते हो। ये सही नहीं है। सही आनंद यानी अच्छा आनंद क्या है? आपके मन को प्रफुल्लित करने वाला आनंद क्या है? इसकी जो बात हम करें तो इस प्रकृति की बात आती है। इसमें हमें प्रकृति से मुफ्त में जो हमें कुदरत ने दिया है सब कुछ, नदी है, पर्वत है, वृक्ष, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब हमें मुफ्त में मिले हैं, लेकिन आज हमें इसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि सच्चा आनंद क्या है। जो प्रकृति नहीं है तो हम भी नहीं रहेंगे, समझ लो। इसीलिए हमें प्रकृति को बचाना है। प्रकृति के प्रति हमें प्रेम रखना है। प्रकृति कैसी है आप लोग जानते नहीं हैं, अभी आप छोटे बच्चे हैं इसीलिए आपको पता नहीं है। और आजकल ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, मोबाइल के अंदर गेम खेलते हैं गेम। लेकिन कभी कभार घर से बाहर निकलो और जो आपको प्रकृति ने दिया है इसका आनंद लो। क्योंकि आज ये प्रदूषण है, चारों ओर देखो आप, ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से हुआ है कि लोग आज प्रकृति को बचाते नहीं है इसीलिए। लेकिन यहाँ पर कोई प्रकृति को प्रेम नहीं करता है, मगर क्या करता है कि भाई चलो घूमने के लिए, फिरने के लिए, हमें कहाँ जाना है, शिमला जाना है, कन्याकुमारी जाना है, जम्मू कश्मीर जाना है, वैष्णो देवी जाना है, तो वहाँ पर हम क्यों जाते हैं?
प्रकृति का आनंद लेने के लिए जाते हैं। मगर ऐसी ही प्रकृति हम हमारे यहाँ पर बनाए रखे, जो कुदरत ने हमें दी है मुफ्त में, इसको हम बचा कर रखे तो हमें यहाँ पर भी प्रकृति का आनंद मिल सकता है। इसीलिए आज से सभी बच्चों को तय करना है कि हम सब एक एक पेड़ पौधे को उगाएंगे, ऐसा तय करो आप, चाहे आपके घर के आगे या फिर गांव में किसी भी जगह पर जाइए, वहाँ पर किसी एक पेड़ पौधे को आप इसका जतन करके उसको बड़ा कीजिए, तभी आप प्रकृति को मानते हो ऐसा लगेगा। इसकी सख्त ज़रूरत है। प्रकृति जो हमें आनंद देती है, इसका यहाँ पर जो वर्णन किया है कि कैसी प्रकृति है, तिब्बत की यात्रा पर कभी जाते हैं तो उसको वहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है और कितना आनंद आनंद होता है, आप भी कहीं एक बार जाके देखो तभी आपको पता चलेगा, आपको लगेगा कि आप कौन सी दुनिया में आ गए हो, स्वर्ग में आ गए आप। ये तिब्बत की मानसरोवर की यात्रा की बात है यहाँ पर, कैसा दृश्य, कितना सुहाना, मन को प्रफुल्लित करने वाला। वहाँ आप जब जाते ना तो आपके अंदर जो जितने भी दुख है वो सब दुख आप भूल जाएंगे और प्रकृति आपको इतना सारा आनंद लुटाएगी। ये मानसरोवर की यात्रा की बात यहाँ पर की गई है कि अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते हमने देखा है। जब मानसरोवर की यात्रा पर कवि जाते ना तो कहते हैं कि अमल धवल गिरी के शिखरों पर, अमल धवल का मतलब है निर्मल और उज्जवल, कैसे उसके शिखर है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। हम जानते हैं कि इतनी ऊंचाई पर आप जाते हो ना तो जो बादल है ना वो भी आपको स्पर्श करते हैं और वो दृश्य सुहाना दृश्य होता है, प्रफुल्लित करने वाला होता है। इसीलिए कहते हैं कि अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते हमने देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को हमने गिरते देखा है। ऐसी बात करते हैं कि छोटे छोटे मोती जैसे, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल शीतल यानी ठंडा तुहिन कण, तुहिन 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 का मतलब है बर्फ, बर्फ की जो छोटी छोटी कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं बर्फ के, वो कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमल, स्वर्णिम यानी सोने जैसा, श्वेत सफेद कमल, स्वर्णिम कमलों पर गिरते हमने देखा है। मानसरोवर के अंदर जो पानी होता है, इस पानी के अंदर कमल होते हैं, मगर वो कमल भी कैसे होते हैं, स्वर्णिम जैसे, जैसे कोई सोना हो उसी तरह वो कमल के फूल है और इस पर बर्फ के छोटे छोटे जो कण होते हैं ना वो गिरते हैं, वो गिरते हुए हमने देखा है, बादल को घिरते हमने देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, यानी हिमालय की चोटी पर वहाँ पर कई सारी झीलें हैं, कुछ छोटी है कोई बड़ी है, यानी सरोवर जैसे वहाँ पर मानसरोवर है ना, इसी तरह कितनी सारी झीलें हैं वहाँ पर, तालाब कहते हैं उसको, झील यानी तालाब, छोटे छोटे तालाब, बड़े बड़े तालाब कितने हैं। छोटी बड़ी कई झीलें हैं उनके श्यामल नील सलिल में, सलिल सलिल का मतलब पानी यानी
वहाँ पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उन सब की अंदर नील पानी, पानी कैसा लगता है, नीला पानी, श्यामल पानी, श्याम लगता है देखने में, बड़ी बड़ी झीलें होती है वहाँ पर, आप जब देखो तो पानी आपको अंदर तैरने का मन भी हो जाता है। श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से व्याकुल होकर, क्या कहते हैं कि ऐसे झील के अंदर क्या होता है, तो क्या देखा उन्होंने कि समतल देशों से, यानी ये तो बहुत ऊंचाई पर है हिमालय, मगर समतल प्रदेश यानी नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए समतल देशों से आकर पावस की इस गर्मी से व्याकुल होकर, हम जानते हैं कि हमारा ये सब देश है ना, वो जो समतल है, लेकिन हम हिमालय की ओर बढ़े तो वहाँ पर ठंड होती है, बहुत ठंड होती है, बहुत सुहावना दृश्य होता है, बर्फ होती है, इसलिए आपको वहाँ गर्मी नहीं लगती है। इसीलिए कहते हैं कि समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल होकर तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को हमने तिरते देखा है, बादल को हमने गिरते देखा है। वहाँ पर ऐसे जो हंस होते हैं वो मधुर सफेद श्वेत हंस इस समतल देश से इस गर्मी से बचने के लिए वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ पर हमने उसको देखा है, क्या करते देखा है कि विष तंतु खोजते हंसों को हमने देखा है। विष तंतु यानी कमलनाभ, कमलदंड जिस पर कमल खड़ा रहता है ना, वो इसको हमने ढूंढते हुए देखा है, क्योंकि उनका वो खाने का है, इसीलिए वो खाने के लिए हंस वहाँ पर जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हुए हमने हंसों को देखा है, बादल को हमने घिरते देखा है। फिर क्या होता है आगे कि ऋतु वसंत का आंसू प्रभात था, वसंत ऋतु का सुबह था, सुबह का समय था। उस वक्त क्या हुआ, मंद मंद था अनिल बह रहा, मंद मंद था अनिल, अनिल यानी पवन, मंद मंद पवन बह रहा था। बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। बालारुण की मृदु किरणें थी, बालारुण का मतलब बाल सूर्य, सुबह का सूर्य, सुबह का सूर्य कैसा होता है, छोटा, उसकी जो गर्मी है ना वो सुबह में नहीं होती है, 2 बजे के बाद लगती है ना। हम भी जानते हैं कि सुबह का जो सूर्य होता है, सूर्य की जो किरणें होती है बहुत अच्छी होती है, कोमल होती है, मृदु होती है, इसीलिए हमें वो बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए कहते हैं कि बाल अरुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल में क्या था, आसपास में क्या था, स्वर्णनाभ शिखर थे, बड़े बड़े जो हिमालय के शिखर थे ना, वो शिखर कैसे लगते थे, स्वर्णाभ लगते थे, स्वर्णाभ यानी सोने जैसा, शिखरों पर सूर्य की सुबह की जो किरणें पड़ती थी ना, इसीलिए वो ऐसा लगता था कि मानो कि वहां पर सोने का पहाड़ हो, ऐसा लगता था, ऐसा सुंदर दृश्य था। उस वक्त क्या होता था, एक दूसरे से विरहित होकर, एक पक्षी की यहाँ पर बात आती है, और वो भी बात कैसी है, प्रणय की बात है, प्रणय का मतलब प्रेम की कहानी, प्रेम की बात आती है। तो क्या हुआ इसमें, एक दूसरे से विरहित होकर अलग अलग रहकर ही जिसको सारी रात बितानी होती। चकवा और चकई है, इन चकवा चकई को, इन दोनों के बीच में ऐसा प्रेम होता है जैसे सारस की जोड़ी होती है ना, इस दोनों के बीच में जो प्रेम होता है, कैसा प्रेम होता है कि सारस को आप किसी एक को जो मार दो ना, तो दूसरा भी अपने आप खुद मर जाता है, ऐसा प्रेम, ये प्रेम की कहानी है। इसीलिए उस दोनों चकवा और चकई की यहाँ पर कहानी बताई है, वो दोनों किस प्रकार प्रेम करते हैं कि अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती। ये तो
कुदरत की बात है, कुदरत ने कुछ ऐसा बनाया है कि इस चकवा चकई को ऐसा साफ था कि निशाकाल के चिर अभिशापित, जो निशाकाल निशानी रात्रि साथ था उन दोनों को, कि अभिशापित थे कि उनको जब रात होती है ना तो दोनों को अलग हो जाना पड़ता था, इसीलिए उनको रात पसंद नहीं थी इस चकवा चकई को। इसीलिए कहते हैं कि अलग अलग विरह में रहते थे दोनों, सारी रात बितानी होती थी। निशा काल के चिर अभिशापित, उन दोनों को शाप था, अभिशापित थे वो कुदरत से कि दोनों को रात होती ना तो अलग हो जाते थे दोनों, अलग होना ही पड़ता था उनको शापित के कारण। जब सूर्य निकलता है तभी दोनों का मिलन होता है, इसीलिए उनको ये निशा काल यानी ये रात्रि कैसी लगती है, काल जैसी लगती है, काल यानी मृत्यु जैसी भयानक लगती है। निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीर सेवालों की हरिदरी पर, यानी जब रात होती है ना तो दोनों को विरह हो जाता है, अलग हो जाना पड़ता था, लेकिन जब सूर्य का पहला जो किरण वहाँ पर आता था उसी से उन दोनों का मिलन हो जाता था। इस मिलन की जो प्रणय कथा है उनकी को उनका क्रंदन, क्रंदन यानी करुणापूर्ण रुदन वो बंद हो जाता था, फिर दोनों का मिलन हो जाता था। दोनों सेवालों की हरिदरी पर, सेवाल यानी पानी के अंदर होने वाला एक घास, उन पर दोनों की क्या होती है, प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को हमने घिरते देखा है, यानी उनकी जो ये प्रेम की जो कहानी है चकवा और चकई की, वो रात्रि को विरह हो जाता है, मगर जब बाल सूर्य निकलता है ना तभी वो दोनों फिर एक साथ मिल जाते हैं। और इस सरोवर के अंदर जो सेवाल है यानी घास जो है उस पर आकर दोनों बैठते थे और एक दूसरे के साथ प्रेम भरी मीठी मीठी बातें करते थे और इनका इसी प्रकार मिलन भी होता था। ये भी वहाँ पर हमें प्रकृति का प्रेम वहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारा काव्य पूर्ण होता है। अस्तु।